हाय गाइस, मैं आकाश, यू आर वाचिंग आकाश टॉक्स। तो यार पर्टिकुलरली मैं इस वीडियो में आप लोगों के सामने आईसीएसई का जो लैंग्वेज का स्पेसिमेंट पेपर है इसके बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि आप लोग जो नए बैच है 2019 का, ये एकदम नए बैच है और ये बैच में जो पूरा क्वेश्चन पेपर का सेट पूरा चेंज होने वाला है क्योंकि ईमेल एंड नोटिस इंक्लूड हो रहा है। तो यार मेरे सामने जो स्क्रीन है या फिर जो पेपर है देख ही पा रहे हो, ये आईसीएसई का 2019 का पेपर है और बहुत सारे लोगों ने मेरे को ऑलरेडी कमेंट कर रहा था कि भाई प्लीज कुछ बता दो या फिर स्पेसिफिक पेपर लेकर हमको बोल दो कि कैसे टाइप का क्वेश्चन आएगा या फिर कैसे रहेगा, कौन से सीक्वेंस में रहेगा। तो यार इस पर्टिकुलर जो पेपर है जो आप अभी देख पा रहे हो इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप खुद जाकर देख सकते हो। और ये सीआईएससी खुद ने खुद उनका जो खुद जो ऑफिशियल वेबसाइट है उधर वो लोग ने खुद रिकमेंड किया पर्टिकुलर ये जो पेपर है और ऐसे ही होने वाला है, ठीक है, पेपर आपका आईसीएसई का जो इस साल का जो 2019 का जो होने वाला है, ठीक है। तो यार अगर आप इधर देख पा रहे हो तो फाइल जैसे कि जो रेगुलरली होता है बट थोड़ा सा चेंज है, आपका ईमेल एंड नोटिस सिर्फ इंक्लूड किया जा रहा है, ठीक है। तो यार क्वेश्चन वन में आप देख पा रहे हो आपको 30 मिनट दिया जाएगा या फिर 30 मिनट्स के अंदर आपको ये करना है, 300 to 350 वर्ड्स के अंदर। ये 5 ऐसे ऑलरेडी है, तो यार मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया, वो जाकर आप चेक कर सकते हो कि हाउ टू गेट गुड मार्क्स, या फिर मैं लैंग्वेज के ऊपर 2-3 वीडियोस बना दिया, फिर जो सबसे अच्छा वीडियो मैंने जो लैंग्वेज के ऊपर बनाया कि लास्ट मिनट सजेशन, तो वो जाकर आप चेक कर सकते हो, ठीक है। वो बहुत ही अच्छा वीडियो है और बहुत से लोगों ने ऑलरेडी देख चुके हैं। तो यार और उधर से बहुत से लोगों ने मेरे को ऑलरेडी बोला कि भाई पेपर डिस्कस कर दो ताकि हम लोगों को थोड़ा मेहरबानी हो जाएगा। तो यार देखो यार इधर से तुम जो देख पा रहे हो तो पहले जो फर्स्ट मैं ऑलरेडी उन वीडियो में ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि प्लीज़ सोच समझ के यार जो भी टॉपिक तुम सिलेक्ट करने वाले हो प्लीज़ थोड़ा सोच समझ के करो, ठीक है, क्योंकि ये 25 मार्क्स रहने वाला है, सॉरी 20 मार्क्स रहने वाला है इधर, तो थोड़ा देख कर करो ताकि तुम एक अच्छा मार्क्स इधर से स्कोर कर सको, ठीक है। तो इसके बाद तुम्हारा है अगर आप देख पा रहे हो तो क्वेश्चन टू में जैसे कि लेटर एंड इसके साथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लेटर। तो मेरे ख्याल से अगर आप फॉर्मल लेटर करते हो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा एज कम्पेयर टू इनफॉर्मल लेटर, क्योंकि इनफॉर्मल लेटर अक्सर अगर आप उतना लैंग्वेज में अच्छे नहीं हो तो इनफॉर्मल लेटर करना उतना अच्छा मेरे ख्याल से उतना अच्छा नहीं है, ठीक है। फॉर्मल लेटर करो मेरे ख्याल से अच्छा मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है, अगर तुम उतना अच्छा लैंग्वेज में नहीं हो, और 10 में से मिनिमम तुमको 8 या फिर 9 तो मिल जाएगा फॉर्मेट में, बहुत सारे मार्क्स है फॉर्मल लेटर में, ठीक है। और यार फॉर्मेट एकदम अच्छी तरीके से करनी है। इसके बाद हमको आता है जो नया टॉपिक जो ऑलरेडी इंक्लूड किया गया इस साल से आईसीएसई में, वो है कि आपका क्वेश्चन नंबर 3, एक है आपका ईमेल 3 का भी एंड एक है नोटिस, ठीक है। तो ऑलरेडी मैंने इसका फॉर्मेट ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया हूँ, अगर आपको फिर से चाहिए तो मैं ऑलरेडी इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, इधर से जाकर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका क्या क्या मार्क्स आता है मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा, बट इस वीडियो में मैं सिर्फ और सिर्फ पेपर या फिर लैंग्वेज का पेपर सब डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसका आपका क्वेश्चन 4 में रहता है आपका प्रेसी जो आप अभी देख पा रहे हो, ये प्रेसी तो सॉरी कॉम्प्रिहेंशन, सो कॉम्प्रिहेंशन तो आपका रहेगा ही बहुत बड़ा। तो इसको मैंने ऑलरेडी पिछली वीडियो में बोल दिया कि कैसे इसको करना है, कैसे वर्ड मीनिंग्स को अच्छी तरीके से कर पाओगे, तो लास्ट वीडियो चेक कर, लास्ट वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लास्ट वीडियो जो मैं ऑलरेडी अपलोड किया कर दिया हूँ लास्ट मिनट सजेशन इन लैंग्वेज, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आईसीएसई 2019 स्टूडेंट के लिए, ठीक है। इधर से आपको तो मैं ऑलरेडी बोल दिया कि प्रेसी तो करना ही है, राफ ड्राफ्ट फेयर ड्राफ्ट सब कुछ करना है। इसके बाद आपका रहता है सिर्फ ग्रामर, तो इस ग्रामर में आपको 20 मार्क्स आता है, 4 इसके बाद 4 इसके बाद आपका रहता है 4 इसके बाद 8, तो 4, 4, 4, 12 एंड 8 आपका। तो पहले तो आपको रहेगा कि जो ग्रामर पोर्शन रहेगा कि डो नॉट कॉपी द पैसेज जस्ट राइट द सीरियल ऑर्डर, तो इधर तो आपको सिर्फ ग्रामर सॉल्व करनी है। इसके बाद आपका रहता है प्रीपोजिशन, पहले टेंस उसके बाद प्रीपोजिशंस, उसका आपका रहेगा और इधर 8 प्रीपोजिशंस देगा। उसके बाद आपका रहेगा कि जॉइनिंग सेंटेंस विदाउट यूजिंग एंड बटन्स हो, तो मेरे ख्याल से अगर आपने ये ऑलरेडी कर चुका तो बहुत ही अच्छा, तो अगर नहीं किया तो मेरे उस वीडियो देख लो, उधर से आपको ऑलरेडी बहुत सारी अच्छा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, ठीक है। और उस वीडियो का मैं लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाकर चेक कर लो, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है वो वीडियो। और इसके बाद आपका रहता है 8 मार्क्स का आपका जॉइनिंग सेंटेंस, तो ये भी आपको तो ऑलरेडी दिया जाएगा। तो ग्रामर तो मैं ऑलरेडी उस वीडियो में डिस्कस कर दिया हूँ, तो जैसे कि बहुत से लोगों ने ऑलरेडी मेरे को बोला था कि भाई लैंग्वेज का कुछ पेपर बोल दो या फिर लैंग्वेज का पेपर डिस्कस कर दो, तो मैंने ऑलरेडी कर दिया। और कैसे टाइप का पेपर आने वाला है तो इसका भी मैं जो पर्टिकुलर जो आप देख पा रहे हो जो प्रैक्टिकल वीडियो, इसका भी मैं आप लोगों को लिंक दे दूंगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक आपको दे दूंगा, आप जाकर चेक कर सकते हो, इस पर्टिकुलर आपको पेपर मिल जाएगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपका ऐसे बहुत ही अच्छा होने वाला है, ध्यान से पढ़ो, जितने भी टिप्स मैं ऑलरेडी दे चुका वो फॉलो करो, बहुत ही अच्छा हो, ठीक है। तो मैं वीडियो में इधर ही खत्म करता हूँ, बेस्ट ऑफ लक फॉर यू आईसीएससी। और भी अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है तो डिस्क्रिप्शन में जाकर मेरे को पूछो, ठीक है, सॉरी कमेंट सेक्शन में जाकर पूछो, ठीक है। तो गुड बाय एंड कीप वॉचिंग आकाश टॉक्स।